जी डी क्लीज अभी हम आज स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री का थर्ड सेक्शन जो के ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो के सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं तो निबोश ने कुछ गाइडलाइन दे के रखी हुई हैं इस चीज के हवाले से हम अभी जाके देखेंगे उन फैक्टर्स को हमें मालूम होना चाहिए इन फैक्टर्स के बारे में अगर हमें मालूम होगा तो ही हम हमारी साइट को सेव कर सकते हैं अगर हम जान जाएंगे कि कौन कौन सा बिहेवियर है कैसे लोगों के बिहेवियर चेंज होते हैं कैसे इन्फ्लुएंस होता है चीज़ों का बिहेवियर पे सेफ्टी कल्चर क्या है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर कैसा होता है नेगेटिव सेफ्टी कल्चर कैसा होता है सेफ्टी कल्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ये कॉम्पिटेंसी है हमारे पास में अगर हम ये जानते हैं हमारे पास में नॉलेज है तो ही हम हमारी साइट को एक्सीडेंट इंसिडेंट फ्री कर सकते हैं रिस्क फ्री कर सकते हैं फ्री कर सकते हैं हमारी वर्क प्लेस को तो यहां पे निबोश हमें गाइड कर रहा है कि तीन फैक्टर्स हैं जॉब है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि असरअंदाज होता है ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर अब ये तीनों वन बाय वन हम आगे जाके देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है सेफ्टी कल्चर अगर सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है बिहेवियर पॉजिटिव होगा अगर सेफ्टी कल्चर नेगेटिव है तो वो न्यू कैंडिडेट्स न्यू एम्प्लॉयज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं चाहे वो एथिकल कंपनी थी मल्टीनेशनल कंपनी थी एक अच्छी स्टैंडर्ड की कंपनी थी इस ऑर्गेनाइजेशन में आके वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे कमिटमेंट एंड लीडरशिप अगर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं है लीडरशिप नजर नहीं आती है वर्क प्लेस पे तो इस कंपनी में ये बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा employees पे टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक यह चीज असरअंदाज होगी और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा के नेगेटिव बिहेवियर हो जाएगा लोगों का वो सेफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे कानून को फॉलो नहीं करेंगे रिसोर्सेज अवेलेबल अगर प्रॉपर रिसोर्सेज आप प्रोवाइड नहीं करेंगे हर प्रोजेक्ट लेवल पे काम की जगह पे अगर आप लोगों को हर चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे स्कैप फोल्डिंग बनाने के लिए पूरा मटेरियल नहीं देंगे अच्छे स्कैप फोल्डर प्रोवाइड नहीं करेंगे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट के साथ में स्कैप फोल्डर प्रोवाइड नहीं करेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरे रिसोर्सेज नहीं देंगे अस्सी बंदे की बस में तीन सौ बंदा बैठ के आएगा अगर रिसोर्सेज पूरे नहीं है तो आप समझ सकते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर लोगों का कैंटीन का एरिया रेस्ट एरिया प्रॉपर नहीं है लोगों का कैंप का एरिया जहां पे लोग रहते हैं जहां पे लोग सोते हैं अगर एक कमरे में बीस बीस बंदे डाल के रखे हुए हैं ये सारा रिसोर्सेज में आएगा तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा वर्क प्लेस पे लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे लोग बात नहीं मानेंगे अपनी मैनेजमेंट की आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं उन्हें आप कुछ भी ना दें कोई रिसोर्स प्रोवाइड ना करें कोई चीज प्रोवाइड ना करें और आप ऐसा सोचें कि वो आपकी बात को मानेंगे वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता है वर्क पैटर्न वर्क पैटर्न डिफिकल्ट हैं, ज्यादा टाइम के लिए रुकना पड़ता है ज्यादा ओवर टाइम लगाने पड़ते हैं लोगों को प्रोसियस डिफिकल्ट हैं, तो नेगेटिव बिहेवियर होगा लोगों का कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है टॉप मैनेजमेंट की वर्कर के साथ में हेल्थ एंड सेफ्टी की वर्कर के साथ में तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा नेगेटिव बिहेवियर होगा नेगेटिव कल्चर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का उस कंपनी का लेवल ऑफ सुपरविजन अगर सुपरविजन कॉम्पिटेंट नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है उसके साथ में एक्सपीरियंस नहीं है सुपरविजन का तो भी नेगेटिव बिहेवियर होगा लोगों का वो बात फॉलो नहीं करेंगे बात मानेंगे नहीं पीयर ग्रुप प्रेशर हमेशा पीयर ग्रुप प्रेशर होता है अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रूल्स को फॉलो किया जा रहा है सेफ्टी रूल्स को माना जा रहा है तो जो भी न्यू एम्प्लॉयज आएंगे वो सेम काम करने की कोशिश करेंगे जैसे उनके सीनियर लोग काम कर रहे हैं इसको वाइस वर्षा में देख ले अगर जो पुराने वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कंपनी में काम कर रहे हैं वो सेफ्टी को नहीं मानते हैं अनसेफ एक्ट अनसेफ पोजीशन जैसी वहां पे एक्टिविटीज हैं तो नया आने वाला एम्प्लाईज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से है कोई भी कंपनी से है वो कभी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो उनको सेम प्रैक्टिसेस करेंगे जैसा वो देख रहे हैं कंसल्टेशन एंड वर्कर अगर टॉप मैनेजमेंट नहीं आती है वर्कर के साथ में बात करने के लिए एक महीने के बाद में पैंतालीस में दो महीना के बाद में, अगर नहीं है किसी भी में तो याद रखिएगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक्सीडेंट के लिए रेडी रहिएगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्सीडेंट होते हैं एक्सीडेंट इंसीडेंट हमेशा ऐसा प्रोजेक्ट पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है हमेशा आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि श्रोता की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है श्रोता गया एम्बुलेंस आ गई एम्बुलेंस गई श्रोता आ गया श्रोता पुलिस को कहते हैं जी ये कुछ लोग बाद में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि श्रोता क्या बोल रहे हैं आप ये अरेबिक जुबान का लफ्ज है इसमें ट्रेनिंग अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं लोगों को आप ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपका पेपर वर्क पूरा करने के लिए आपका दो घंटा गुजारने के लिए कि अच्छे से गुजर जाएगा दो घंटा कोई बेनिफिट नहीं है कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे आप आपकी मेन ड्यूटी मेन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीडेंट रेशो को कम करना है आप प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपको प्रोजेक्ट हैंड करना चाहिए विदाउट एनी आई विदाउट एनी एक्सीडेंट विदाउट एनी इंसिडेंट आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए अच्छे नॉलेज के साथ अच्छे स्किल्स के साथ मैं अभी देख रहा था एक मुझे वो शेयर किया और ट्रेनिंग ट्रेनिंग के टॉपिक्स होते हैं वो मंथली ट्रेनिंग टॉपिक्स डिस्कस किया हुए थे किसी ग्रुप में शेयर किए हुए थे उसमें हीट स्ट्रेस शेयर किया हुआ है क्या जरूरत है इस मौसम में हीट स्ट्रेस का ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करने के लिए देखिए अपने पास में टाइम नहीं होता है वर्क प्लेस पे उतना टाइम नहीं है मैनेजमेंट के लिए उसका काम इम्पोर्टेंट है हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए काम करेंगे तो पैसा मिलेगा कंपनी को हमारा जो लिमिटेड टाइम है उसमें हमें अच्छा मैसेज प्रोवाइड करना चाहिए हैजर्ड के बारे में बताना चाहिए खतरों के बारे में बताना चाहिए हीट स्ट्रेस आएगा जब आएगा जब उसे आप लाजिम बताना चाहिए यह स्टार्ट होता है मई से स्टार्ट हो जाता है गल्फ कंट्रीज में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये पांच महीनों में डिस्कस करना चाहिए और ये मई जून जुलाई अगस्त ये तीन महीने ज्यादा क्रिटिकल हैं गर्मी के लिए तो आप अगर ऐसे टॉपिक इन्वॉल्व कर देंगे आप क्या हासिल क्या करेंगे इससे तो हमें जो सबसे पहले ट्रेनिंग में देखना चाहिए हाई रिस्क एक्टिविटीज कौन सी हैं कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें बंदे मर सकते हैं ज्यादा जख्मी हो सकते हैं हमें उन एक्टिविटीज को टॉप पे रखना चाहिए उनको देखना चाहिए उन एक्टिविटीज के हिसाब से आपको ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनाना चाहिए और कोशिश कीजिए जब भी आप ट्रेनिंग देने के लिए जाए कंसर्न इंजीनियर्स और मैनेजर्स आपके साथ में हों ट्रेनिंग में जॉब फैक्टर्स इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत अहम हैं टास्क है जो टास्क दिए जाते हैं लोगों को उनको डिफिकल्ट टास्क दिए जाते हैं मुश्किल टारगेट दिए जाते हैं पांच दिन का काम दस दिन का काम तीन दिन में तो करते हैं आप इसको टारगेट को हैंड ओवर कर देंगे जब इतना बर्डन देंगे इतना प्रेशर डालेंगे लोगों पे चांस ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा हो जाएगा तो कभी भी लोग सेफ्टी को केयर नहीं करेंगे सेफ्टी को नहीं मानेंगे उनका नजर में उनका सामने पे उनका टारगेट है तो हमें इस लेवल पे कैसे जाके इसे कवर कर सकते हैं हमें टॉप मैनेजमेंट से जाके बात करनी चाहिए कि ऐसा फोर्स करके ऐसा प्रेशर करके आप एक्सीडेंट को नजदीक कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में वर्कलोड जितने ज्यादा होंगे सेम है टास्क और वर्क लोड तो उसमें भी चांस ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा हो जाएंगे लोगों का बिहेवियर कभी भी सेफ्टी की तरफ नहीं आएगा वर्कलोड जितना भी ज्यादा रहेगा एनवायरमेंट वर्क एनवायरमेंट अगर फ्रेंडली नहीं है वर्क एनवायरमेंट प्रोफेशनल नहीं है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है तो रिजल्ट एक्सीडेंट पे आके खत्म हो जाएगा डिस्प्ले एंड कंट्रोल्स अगर कंट्रोल नहीं है आपका वर्कर पे एक्टिविटीज पे किसी चीज पे आपकी प्रेजेंस कहीं नजर नहीं आती है एच एस सी पर्सन की उसका कुछ भी इम्पैक्ट नजर नहीं आता है आप बात करके आते हैं आपकी बात को वैल्यू नहीं है तो लोग समझ जाएंगे कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ चाय पानी पत्ती और बिस्किट का डिपार्टमेंट है जो टारगेट लेके आया है के दो साल का प्रोजेक्ट है ये इतना देर में प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे और ये चाय पानी पत्ती बिस्किट खत्म कर देंगे बैठ के खा खा के तो ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने प्रेजेंट शो करनी चाहिए इन्हें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों से बात करनी चाहिए प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ लेके लोगों को समझाना चाहिए के इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हो सकते हैं अगर आप चीजों को नहीं फॉलो करेंगे नहीं मानेंगे अगर लास्ट में प्रोसीजर्स अगर डिफिकल्ट है नहीं समझ आने वाले प्रोसीजर्स हैं तो भी लोग सेफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे इंडिविजुअल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी आपने जो बंदे हायर किए हैं वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो नेगेटिव बिहेवियर होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसी कंपनी का अगर एटीट्यूड नेगेटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव बिहेवियर होगा अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो नेगेटिव बिहेवियर होगा आपको इसे पॉजिटिव कर सकते हैं मोटिवेशन दे के लोगों को रिवार्ड दे के इंसेंटिव दे के आप हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कल्चर को आप नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं लोगों के नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर कर सकते हैं नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड कर सकते हैं मोटिवेशन से लोगों में एक अर्ज पैदा हो जाएगी कि नेक्स्ट मंथ month में मंथली अवार्ड मुझे मिलना चाहिए मंथली इंसेंटिव मुझे मिलना चाहिए तो लोग से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे एटीट्यूड <coughs> एटीट्यूड की डेफिनेशन है हमारे सामने पे पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग एक बंदा एक चीज को किस नजर से देखता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है वही उसका एटीट्यूड है और फिर उसे कैसे शो करता है लोगों के सामने हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट कैन यू चेंज चेंज बिल्कुल कर सकते हैं एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं हम और करना ही चाहिए अगर आप नहीं करेंगे आप तकलीफ में रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पर्सन यू आर द रिस्पांसिबल पर्सन टॉप मैनेजमेंट के सामने ठीक है एक्सीडेंट हो गया शुरुता के सामने

इसे आप टर्मनोलॉजी कह सकते हैं एक टेक्निक कह सकते हैं सिकोलॉजिकली खेलना सीखिए लोगों के साथ में आप कैसे लोगों को अपनी बात को मनवा लेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उनको एजुकेट करें उनको ट्रेनिंग के दें ज्यादा से ज्यादा उनकी ट्रेनिंग करें हैजर्ड के बारे में रिस्क के बारे में उनकी एक्टिविटीज के बारे में उन्हें सिखाएं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नेपाल भूटान के लोग जब काम करने के लिए आ रहे हैं गल्फ कंट्रीज में उन्होंने इतनी बड़े बड़ी, -बड़ी बिल्डिंगे नहीं देखी हुई है तो आपको एक्टिविटीज भी उन्हें बतानी पड़ेंगी कि आपने करना क्या है वहां पर जाके वहां पर क्या क्या हैजर्ड हैं हाई इंपैक्ट इंटरवेंशन करनी पड़ेंगे आपको इन्फोर्समेंट यह आपके पास में बहुत बड़ा टूल है फाइंस मारिए पेनल्टीज रिमूव फ्रॉम साइट उनका सैलरी डिडक्ट करना दो दिन के लिए तीन दिन के लिए साइड से रिमूव कर दें वायलेशन नोटिस जारी कीजिए लोगों को कंसल्टेशन टॉप मैनेजमेंट को लेके आए वर्कर के साथ में कंसल्टेशन करवाएं इन लोगों की हम जितना वर्कर के इश्यूज को सुनेंगे उनके इश्यूज को सार्ट आउट करेंगे हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा उतने ही लोग सेफ्टी से काम करेंगे वर्क प्लेस पे अगर उनके इश्यूज को सुना जाए उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए ज्यादा इन्वॉल्व होकर रहिए लोगों के साथ उनकी एक एक एक्टिविटी के साथ में आप इन्वॉल्व होकर रहिए आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा स्टेप पे क्या क्या हैज़र्ड आने वाले हैं क्या क्या खतरे आने वाले हैं ताकि आप कंट्रोल मैयर अप्लाई कर सकें रिस्क परसेप्शन परसेप्शन क्या है ये उसकी डेफिनेशन है द वे परसन ब्रेन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन सेंड टू इट बाई देयर सेंसेज उसके सेंसेस जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को ब्रेन उसके बारे में एक आइडिया बना लेता है कि इन सेंसेस से कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे पास में पास ऑन की गई वो परसेप्शन की शक्ल इख्तियार कर लेती है हमारे पास में हवा से खमसा है पांच तरह के हिस्से हैं जो हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करती हैं किसी की भी चीज के बारे में सबसे बड़ी है साइट देखना देख के आइडिया हो जाता है ये क्या चीज है इसमें क्या हैजर्ड है क्या खतरा है हियरिंग आप सुन के आपको पता चल सकता है स्मेल किस जगह में फायर हो गई आप किस जगह पर बैठे हुए थे आपने धुएं की स्मेल सुनने से पता चल जाएगा कि कहीं पे फायर हो गई है टेस्ट आप कोई भी चीज को टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो सकता है टच करने से पता चल जाएगा कि कोई हॉट सर्विस है कोल्ड सर्विस है या इस पे यहाँ पे क्या चीज है ग्रुप एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ ये है इसको आपको करना चाहिए अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज अवेलेबल है यहाँ पे इन्होंने एक एक्सरसाइज दी है तो एक आ, सम टाइम पे कुछ प्रेजेंटेशन है हमारे पास में दूसरा स्लाइड पे प्रेजेंटेशन है कभी हमें वक्त मिला तो आपको उसका एक्सपीरियंस करवाएंगे हम वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एक स्लाइड आपको दिखाई जाएगी तो उसमें ट्वेंटी सेकेंड है ट्वेंटी सेकेंड के बाद में वो स्लाइड चली जाएगी आपने बताना है वो इसके लेवल्स हैं लेवल ए है लेवल वन है टू है थ्री है फोर है, है अब जैसे जैसे उसमें कॉम्पिटेंट होते जाएंगे तो आपको आगे जाके बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट टास्क आएंगे बीस सेकेंड में आपने ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या क्या देखा सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपने क्या क्या चीज देखी फिर किसी और स्लाइड में पूछ सकता है कौन कौन से कलर्स देखे आपने फिर किसी और जगह पे कुछ और पूछेगा किसी और जगह पे कुछ और पूछेगा तो आपके दिमाग की सलाहियत एक चीज को देख के बहुत जल्दी जल्दी उसके बारे में आप कितना जल्दी परसीव कर सकते हैं कि वो क्या क्या था ये सलाह आपका जो सोचने का अंदाज है इसे बहुत फास्ट कर देगी कंक्लूजन पे आप जल्दी पहुंच जाएंगे इन एक्सरसाइज से तो आपको ऐसी एक्सरसाइज लाजिम करना चाहिए आपके ब्रेन को शॉर्प करने के लिए रिस्क परसेप्शन फैक्टर्स कैसे एक पर्सन एक की रिस्क परसेप्शन कम हो जाती है, है हैजर्ड को जानने की सलाहियत रिस्क को जानने की सलाहियत कम हो जाती है वो कौन से फैक्टर्स है जो असर अंदाज होते हैं सबसे पहले इलनेस बीमार आदमी को कुछ मालूम नहीं है जी कि उसके नजदीक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अगर एक बंदा स्ट्रेस में है सबसे बड़ा इशू है इंसान के साथ स्ट्रेस अगर वो स्ट्रेस में है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा के बारे में रिस्क के बारे में कितनी खतरनाक जगह पे काम कर रहा है उसका पूरा तोजो पूरा ध्यान उसका टारगेट पे होगा फैटीक थका हुआ इंसान नहीं मालूम कर सकता है कि उसके नजदीक नजदीक में क्या खतरा हैं ड्रग एंड अल्कोहल के साथ इफेक्ट के साथ आदमी को नहीं मालूम हो सकता है कि वो कितना खतरनाक रोड के ऊपर जा रहा है हाईवे के ऊपर जा रहा है उसे क्या पता है कि उसके पा... वो कितना खतरनाक जगह पर जा रहा है कोई भी गाड़ी आके अभी उसे ठोक देगी टक्कर मार देगी प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर नहीं है किसी बंदे के साथ में तो वो नहीं जान सकता है खतरात को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अगर नहीं है बंदे की उसे मालूम नहीं है उसे बताया नहीं गया है इस, इन चीजों के बारे में खतरात के बारे में हैज़र्ड के बारे में रिस्क के बारे में तो वो नहीं जान सकेगा यूज ऑफ पीपी समाइम ऐसे पीपी -पी यूज करते हैं बाज लोगों को कंपनी के ग्लासेस जब लगाते हैं गूगल जब लगाते हैं तो उन्हें डिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो एडिशनल एक तरह का उसके साथ में हैजर्ड जुड़ जाता है बाद लोग हेलमेट नहीं पहन सकते हैं बाज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ऐसा हेलमेट देती हैं तो जैसे लोहे का शिकंजा है पुराने जमानों में लोगों को सजा देने के लिए ऐसा शिकंजा सर के ऊपर लगाया जाता था जैसे ये हेलमेट ले आते हैं आठ रुपए के बारह रुपए के हेलमेट लेके आके बंदे को पकड़ा देते हैं क्वालिटी का हेलमेट नहीं लेके आते हैं वो बहुत पेनफुल होता है जी वो हेलमेट पहनना अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है प्लीज आप अच्छे से हेलमेट को चॉइस करना चाहिए पहले खुद पहन के देखिए अगर आपके लिए अच्छा है तो वही सेलेक्ट करें आप आपके स्टाफ के लिए वर्कर्स के लिए वर्कप्लेस कंडीशंस हाई नॉइस लेवल्स अगर है वाइब्रेशन की जगह है ज़्यादा साउंड है किसी भी एक्टिविटीज़ में नॉइस लेवल हाई हैं एटी फाइव डेसबल तक हम आसानी से सुन सकते हैं इससे जैसे जैसे नॉइस लेवल बढ़ते जाएंगे तो इंसान की जो सेंस ऑफ परसेप्शन है सलाहियत है डिटोरिएट हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी अभी एलिमेंट थ्री पॉइंट फोर है रिस्क असेसमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क असेसमेंट यही एक सेफ्टी पर्सन की एच एस सी पर्सन की जॉब है कि उसने देखना है रिस्क को देख लिया ऑब्जर्व कर लिया जान लिया अभी उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है इसमें देखना है कि रिस्क हाई है मीडियम है लो है यह है उसकी असेसमेंट ये करने के बाद में खत्म नहीं हुआ है अभी कंट्रोल मैयर सोचने हैं जो हाई रिस्क पकड़ा उसने हाई रिस्क एक्टिविटीज देखिए सबसे पहले इस पे कंट्रोल मैयर अप्लाई करने चाहिए उसको देख के हाई रिस्क एक्टिविटी को देख के बहुत से कंट्रोल मैयर आपके जेहन में आए कौन सा अप्लाई करना चाहिए कंट्रोल मैयर वो इसका पार्ट है रिस्क असेसमेंट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है किसे जाके कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि इस इशू को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो ये एक पूरा तरह का रिस्क असेसमेंट हमारे पास में बन जाएगा रिस्क असेसमेंट को जानने के लिए रिस्क असेसमेंट को करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी का सीखना बहुत जरूरी है जैसा कि यहां पे दी गई है क्या है? समथिंग विद द पोटेंशियल टू काज हार्म ये हैजर्ड की सिंपल डेफिनेशन है रिस्क की डेफिनेशन क्या है लाइटलीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद द स्वेरिटी ऑफ द फोर्सिबल हार्म या सिंपल आप कह सकते हैं कि ये कंबिनेशन है हार्म इसे ऐसा भी सिंपल आप बता सकते हैं ये बहुत लोगों की डेफिनेशन में गलत हो जाती है जी जब कभी इंटरव्यू में जाके बैठते हैं तो हैज में हम देखेंगे कौन कौन से हैजड आई है ये कुछ कैटेगरीज दी हुई है निबोश ने फिजिकल हैजड है सबसे पहले फिजिकल हैजेड में कौन कौन से हैजेड आते हैं फायर इलेक्ट्रिसिटी नॉइस वाइब्रेशन ये सारे फिजिकल हैं केमिकल हैजर्ड में केमिकल सब्सटेंसेस बायोलॉजिकल में जैसा कि स्नेक है किसी वर्क प्लेस पे रिमोट एरिया में अगर आपके प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस स्नेक है स्कॉर्पियन है मॉस्किटोज अगर हैं वहां पे वायरस बैक्टीरिया फंजाई ये सारे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं एर्गोनॉमिकल हैजर्ड जो इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट का क्या इम्पेक्ट हो रहा है आपके आप इजिली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट आप पे क्या इफेक्ट डाल रही है क्या असर डाल रही है आपके ऊपर सिकोलॉजिकल हैजर्ड इसमें स्ट्रेस है कुछ लोग थोड़ा जैसा कह सकते हैं कि सेंसिटिव हो सकते हैं सेंसिटिव होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं बुलिंग है बहुत बड़ा हैज़र्ड है तो काइंडली आप अपनी ट्रेनिंग्स में तमाम इन चीजों में इन चीजों को कभी ना भूलिएगा सबसे बड़ा हैज़र्ड है ये ये सबसे बड़ी वजह है हमेशा लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने के लिए जो आपको क्विट करने के लिए इन हैज़र्ड को आप संभालना सीखिए इसको फेस करना सीखिए आप साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स को ग्रुप एक्सरसाइज कंसीडर अ स्पेसिफिक हैजर्ड एंड डिस्कस इन ग्रुप द डिफरेंस बिटवीन किस चीज में डिफरेंस आपने करना है हैजर्ड हैजर्ड एज़ प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिविटी आर्टिकल और सब्सटेंस एंड द रिस्क ऑफ हार्म अकरिंग तो ये आपकी ग्रुप एक्सरसाइज है जितनी भी ग्रुप एक्सरसाइज आ रही हैं आप लिख के मुझे WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं मेरा ईमेल पे आप लोग शेयर कर सकते हैं जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ की वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिस्क प्रोफाइल ये रिस्क असेसमेंट में इसका बड़ा अहम पार्ट है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रेंज ऑफ रिस्क थ्रेटन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड प्रोबेबल इंपैक्ट तो हमने क्या करना है ये एक प्रोसेस है निबो साहब बता रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एसे करने के लिए रेंज ऑफ रिस्क के ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिस्क हैं जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी के लिए थ्रेट है उनका लाइवलीहुड क्या है चांस ऑफ एक्सीडेंट क्या है चांस ऑफ एक्सीडेंट होने के बाद में कॉन्सिक्वेंसिस क्या क्या हो सकते हैं द करंट रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल इन प्लेस एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ फर्दर कंट्रोल तो इसमें हमें क्या करना चाहिए आपने देख लिया हैजर्ड को देख लिया रिस्क को देख लिया उसकी स्वेरिटी को देख लिया चांस ऑफ एक्सीडेंट देख लिया सब आपने ऑब्जर्व कर लिया है ऑब्जर्व करने के बाद में आपने प्रायोरिटाइज करना है कंट्रोल मयर को कि कौन से रिस्क को कौन सा कंट्रोल मैयर अप्लाई करके हमें फौरी तौर पे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं तो इसे हम पूरा इस प्रोसेस को रिस्क प्रोफाइलिंग कहते हैं रिस्क असेसमेंट क्या है ये फॉर्मल प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मैयर्स बाई इुएटिंग

कितना चांस है उसमें एक्सीडेंट का आपने थर्ड कंट्रोल मैयर अप्लाई कर दिया कंट्रोल मैयर अप्लाई करने के बाद में आपने डिसाइड करना है आया के ये रिस्क अभी एक्सेप्टेबल है काम करने के लिए ये नहीं है अगर एक्सेप्टेबल है आप काम करने के लिए अलाउ कर देंगे अगर एक्सेप्टेबल नहीं है फर्दर कंट्रोल मैयर आप अप्लाई करेंगे रिस्क को और रिड्यूस करेंगे और उसे एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आएंगे पूरा प्रोसेस को रिस्क कहते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स रिस्क प्रोफाइल। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिस्क प्रोफाइल्स हैं। द रिस्क प्रोफाइल एग्जामिन द नेचर एंड लेवल ऑफ थ्रेड फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन जो पहला इसका बुलेट पॉइंट है उसमें यह है कि हमें थ्रेड्स को देखना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे रिस्क को देखना है ऐसे हैजर्ड को देखना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है लाइकलीहुड को देखना है चांस चांस ऑफ ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट क्या है? उस उस रिस्क में, में हैजर्ड कितना ज्यादा है हाई है मीडियम है लो है फिर नेक्स्ट में उसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हो सकते हैं एक्सीडेंट होने के बाद में कॉस्ट क्या आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन पे कंपनी पे फिर जो कंट्रोल मैयर आपने अप्लाई किए हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या है ऐसा नहीं है कि आप एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया कि ये आप कंट्रोल मैयर अप्लाई कर दें ऐसा कर दें जैसा कर दें वैसा कर दें सारा कुछ करने के बाद में आप जाके सो जाए आप जब तक दोबारा सरप्राइज विजिट नहीं करेंगे आप दोबारा जब तक आके नहीं देखेंगे उसकी इफेक्टिवनेस नहीं देखेंगे आप नहीं जान सकते हैं लोग आपकी बात समझे हैं या नहीं समझे हैं आप जो फ्रेमवर्क बना के दिया जो कंट्रोल मैयर बना के दिए हंड्रेड परसेंट समझने के लिए आपको जानने के लिए हंड्रेड परसेंट अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है आपको दोबारा जाके उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते रहना चाहिए रिस्क प्रोफाइलिंग अगेन इसे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं द आउटकम ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग विल बी दैट द राइट रिस्क

एक्टिविटी में वर्किंग एट हाइट पे काम कर रहा था गिर गया कोलेप्स हो गया मर गया कन्फाइंड स्पेस में कोई बंदे के साथ में एक्सीडेंट हो गया वो एक्सपायर हो गया जहां आप इन खतरात को देख रहे हैं वहां पे माइनर रिस्क को कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा वहां पे भी कंट्रोल मैयर करके उनको खत्म करना चाहिए ऐसे खतरा को खत्म करना चाहिए जो कि माइनर हैं जो बहुत छोटे हैं रिस्क प्रोफाइलिंग फर्स्ट इसमें हम क्या चीज देखेंगे जब हम रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए जा रहे हैं आइडेंटिफाई द रिस्क टॉप पे सबसे पहले ऐसे रिस्क को हमने आइडेंटिफाई करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है अगर एक फैटलिटी हो जाती है दो फैटलिटी हो जाती है एक महीना के अंदर दो महीना के अंदर तीन महीना के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्या हो जाएगा आएंगे, पेनल्टीज आएंगे, प्रोजेक्ट को होल्ड किया जा सकता है गल्फ कंट्रीज में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं सेकेंड आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी इंपैक्ट एंड द बिजनेस इंपैक्ट एसोसिएटेड विद ईच अदर ईच थ्रेट अगर ऐसे थ्रेट अगर आपने देख लिया कि ये रिस्क एक थ्रेट बन सकता है यह ये थ्रेट बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसके क्या क्या बिजनेस इंपैक्ट हो गए तो क्लियर है जैसे ही कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट हो जाता है तो उसको बहुत बड़े लॉस हो जा, हो, सकते हैं नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट क्लाइंट उसे नहीं देगा उसके ऑर्डर खत्म हो सकते हैं तो ये बिजनेस लॉस है उस ऑर्गेनाइजेशन का उस कंपनी के लिए आइडेंटिफाई हाउ वेल थ्रेट इज कंट्रोल उसके बाद में हमें कंट्रोल मयर की तरफ देखना चाहिए उसके खतरे के साथ में कैसे निमटेंगे आप कैसे कंट्रोल करेंगे उस खतरे को कंट्रोल मैयर अप्लाई करके आइडेंटिफाई लाइवलीहुड्रेट है थ्रेट उस थ्रेट के उस थ्रेट में चांस ऑफ एक्सीडेंट क्या है प्रायरटाइज द्रेट देख लिया आपने छ एक्टिविटी ऑब्जर्व की छ एरिया आपने ऑब्जर्व किए आज की इंस्पेक्शन में तो आपने क्या करना है आपने प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले ऐसा हैजर्ड को देखना है ऐसा खतरे को देखना है ऐसा थ्रेड को देखना है जिसमें लोग मर सकते थे सेकंड में उससे कम वाले खतरे को देखना है थर्ड में उससे कम वाले खतरे को देखना है सबको देख के आपको सबसे टॉप वाले जिसमें ज्यादा लोग मरने के चांस है ज्यादा खतरा होने का चांस है वहां पर कंट्रोल मई अप्लाई करना चाहिए सारा करने के साथ साथ में आपने जो माइनर रिस्क देखे हैं माइनर हैजर्ड देखे हैं उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए पर्पज ऑफ रिस्क रिस्क असेसमेंट क्यों की जाती है जी टू प्रिवेंट डेथ एंड पर्सनल इंजरी डेथ से पर्सनल इंजरी से लोगों को बचाने के लिए अदर टाइप ऑफ लॉस इंसिडेंट ब्रीच ऑफ स्टैच्यूट लॉ कानून ना टूट जाए उससे बचाने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ऑफ द लास्ट जो पैसा खर्च हो जाएगा उस एक्सडेंट की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का उन सब से बचाने के लिए रिस्क प्रिपेयर की जाती है एक्टिव मॉनिटरिंग का हिस्सा है ये रिस्क असेसमेंट सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट जो भी रिस्क असेसमेंट आप बनाए वो सूटेबल होनी चाहिए सफिशियंट होनी चाहिए आइडेंटिफाई रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क आपको सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए और रिस्क असेसमेंट में लिखने चाहिए मैंने बहुत सी रिस्क असेसमेंट देखी हैं लोग ये समझते हैं कि मैं 600 रिस्क लिख दूंगा 600 सौ हैजर्ड लिख दूंगा तो मेरे नाम के साथ हाजी करामतुल्ला कॉम्पिटेंट लाफ फ लिखा जाएगा ये गलत है बिल्कुल गलत है आप जो एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं जो काम के लिए रिस्क मोर देन इनफ है ऐसा करने की कोशिश ना कीजिए आप कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तीस चालीस है इतना बड़ा नोट्स बना के दे दूं। भाई पढ़ेगा कौन इस रिस्क असेसमेंट को तो ऐसा करने की कोशिश ना कीजिए जो एक प्रोसेस है उसे